आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे शेर की जो जब दहाड़ा है ना पूरी दुनिया शांत हो गई, वन मैन आर्मी, बिल्कुल पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड से अकेले लड़ने वाला, बीसीसीआई से अकेले लड़ने वाला, जब सबने साथ छोड़ दिया था तब ही अकेले लड़ रहा था। योद्धा है भैया, वॉरियर है। हम बात कर रहे हैं प्रिंस ऑफ कैलकटा एंड बंगाल टाइगर सौरव चंडेदास गांगुली की। सौरव गांगुली मेरे पर्सनली बहुत ही फेवरेट प्लेयर रहे हैं और इन्होंने भारत की टीम को बनाया। 1983 में डेफिनेटली कपिल देव ने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया वर्ल्ड कप जीत के, लेकिन सौरव गांगुली ने घर घर क्रिकेट को पहुंचाया। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली टीम के कैप्टन थे एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। इस लेक्चर में हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ग्रेग चैपल, एक ऐसा इंसान जो इतना ज्यादा पागल था जिसने पूरी कोशिश की कि सौरव गांगुली को नीचे गिराया जाए, उसको भगा दिया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन भैया योद्धा से कोई नहीं जीत पाता। ये वापस आए और उसके बाद छा गए। बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेयर। और सबसे खुशी की बात यह है कि जिस बीसीसीआई ने सौरव गांगुली की बेइज्जती करके इनको बाहर निकाला था, उसी बीसीसीआई के आज ये प्रेसिडेंट हो गए। इसीलिए मैं ये लेक्चर लेके आ रहा हूं। उसी बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया में सबसे अमीर, अगर किसी भी खेल की बात करें तो बीसीसीआई बहुत ही अमीर बोर्ड है ना, उसी के ही प्रेसिडेंट हो गए हैं। ये देखिए, ये होता है लक और ये होती है मेहनत और ये होती है किस्मत। तो आज हम सौरव गांगुली की बात करेंगे, बहुत कुछ है देखने लायक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हम इनकी बात करने वाले हैं। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू का प्रीमियम कंटेंट जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ ₹159 में। गौरव सर के आपको सारे वीडियोस, प्रशांत सर के और महिपाल सर के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। हमारी सेल चालू हो गई है दोस्तों, दिवाली सेल 18 से 30 अक्टूबर तक, 13 दिन तक ये रहेगी, आज से चालू है। हर कोर्सेज पे 70% ऑफ है, जरूर इस ऑफर को अवेल करें। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, लेजेंड है ये और इनका रिकॉर्ड देख लीजिए दोस्तों। टेस्ट में 113 मैच खेले इन्होंने। इनको ऐसा बोला जाता था कि फास्ट बॉलर से बड़ा डरते हैं, ठीक है, फास्ट बॉलर से काफी डरते हैं सौरव गांगुली खेलने में, लेकिन इनका रिकॉर्ड जो है वो कुछ और ही कहता है। और इनफैक्ट बहुत से फास्ट बॉलर भैया डरते थे इनसे। मैं भूला नहीं हूं आज भी वो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच 2002 में, और उसके बाद 2002 में ही नैटवेस्ट का जो फाइनल था, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, बहुत ही जबरदस्त खेलते थे। ऑफ साइड में राहुल द्रविड़ ने बोला था कि ऑफ साइड में या तो भगवान अच्छा खेल सकते हैं या फिर दादा, क्योंकि सौरव गांगुली का निकनेम जो था वो दादा था, बंगाली थे इसलिए उनको दादा बुलाते थे। तो भैया ऑफ साइड के भगवान बोले जाते थे सौरव गांगुली, इतना स्टाइलिश प्लेयर थे, क्या जबरदस्त लेफ्ट हैंड, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर था। और 113 मैचेस खेले इन्होंने। टेस्ट की बात करें 7212 रन एवरेज देख लीजिए दोस्तों, 42 का एवरेज, बहुत ही रिस्पेक्टेड एवरेज। अगर आप 100 से ज्यादा टेस्ट खेलते हैं, नहीं 50 से ज्यादा टेस्ट खेलते हैं अगर, और अगर आपका एवरेज 40 से ऊपर का होता है तो आप बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं। साथ ही साथ यहां पे कैप्टन भी थे सौरव गांगुली, तो ये दो चीजें ये निभा रहे थे, एक तो टीम के लिए बहुत अच्छा करना है और एक एज अ कैप्टन बहुत अच्छा करना है, ठीक है। 16 बार इन्होंने शतक बनाए, दोहरा शतक 239 रन एक बार बनाए इन्होंने, 35 बार अर्धशतक, लेकिन ओडीआई में इनका रिकॉर्ड जबरदस्त है, कुछ अलग ही चीज ओडीआई में बयां करता है। 311 मैच खेले उन्होंने वनडे, 11363 रन, 41 का एवरेज, क्या जबरदस्त एवरेज। पहले दोस्तों ऐसा था कि जब इंडियन क्रिकेट टीम बन रही थी, मोहम्मद अजहरुद्दीन छोड़ के गए थे, फिर सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाया गया, सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया, फिर जब सौरव गांगुली आए तो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ओपन करते थे और इनको बैटिंग करते हुए देखना ना मजा आ जाती थी दोस्तों, क्या जबरदस्त ताबड़तोड़ ओपनिंग। इससे पहले पाकिस्तान से हम लोग हमेशा हारते थे, हम लोग कभी जीतते ही नहीं थे। इनफैक्ट जो 1990s में मैच देखते होंगे उनको याद होगा, 90 से लेकर 2000 तक जितने भी मैचेस होते थे ओडीआई, हम हमेशा हारते थे पाकिस्तान से, ज्यादातर मैचेस हारते थे 80-90%। लेकिन जब सौरव गांगुली आए ना, उन्होंने ट्रेंड बदल के रख दिया, फिर अब पाकिस्तान हारने लगा हमसे। तो ये जबरदस्त, ये था इनकी कैप्टनसी का करिश्मा, और चाहे पाकिस्तानी हो चाहे कोई भी क्रिकेट प्लेयर हो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। शोएब अख्तर तो बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो 41 का इनका बैटिंग एवरेज था अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें,
22 बार इन्होंने शतक बनाया। अगर ग्रेग चैपल की कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती दोस्तों 2006 के दौरान, तो सौरव गांगुली का करियर और शानदार होता, लेकिन अनफॉर्चुनेट इवेंट था दोस्तों, दो साल बर्बाद हो गए एक तरीके से गांगुली के, और हमारे लिए भी बहुत ही खराब था। 2006-2007 ये भारत का एक ब्लैक एरा था, भारत की अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट के लिए ये काले दिन थे, ये काले साल थे, क्योंकि इतना कुछ हुआ, भारत का क्रिकेट बिल्कुल गर्त में जा रहा था। ग्रेग चैकल ने ड्रेसिंग रूम को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया था। सचिन तेंदुलकर का ये बयान था, और बहुत सारे अगर आप इंटरव्यू सुने, वीवीएस लक्ष्मण से एक बार पूछा गया, हाल ही की बात है, कमेंट्री कर रहे थे कि आप ग्रेग चैपल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि देखिए बहुत ही अच्छा भारत खेल रही है, मैं भारत की बैटिंग पे ही अभी फोकस करना चाहूंगा, कृपा करके मुझे कोई भी नेगेटिव चीज के बारे में याद मत दिलाए, मैं कुछ भी नेगेटिविटी डिस्कस नहीं करना चाहता। ऐसा था ग्रेग चैपल का कुछ इमेज, और सौरव गांगुली से भिड़ गए थे वो। लेकिन 2007 के बाद उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा, क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप हम हार गए, लेकिन 2007 के बाद जब वापस सौरव गांगुली आते हैं तो सब कुछ बदल गया, ठीक है ना। तो ये चीज थी, 22 बार शतक, 72 बार अर्धशतक और 183 बेस्ट, ठीक है। बॉलिंग भी करते थे भैया, 100 विकेट्स भी लिए इन्होंने। वनडे की बात करें, मीडियम पेसर थे, 100 विकेट लिए, 38 का एवरेज था, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम सौरव गांगुली की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये 8th हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल, ठीक है। और उस समय सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन बनाए थे और सौरव गांगुली ने 10,000 रन बनाए थे। मैंने बताया ना कि सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ये जो दो जब खेलते थे, जब ओपनिंग करते थे, ट्रीट टू वॉच, मजा आ जाती थी। और ऊपर से हर्षा भोगले की कमेंट्री, अह क्या बात है, वाह। जन्म अगर हम बात करते हैं तो सौरव गांगुली का 8 जुलाई 1972 में हुआ। इनके पिताजी चंडीदास यंगेस्ट सन थे। सौरव गांगुली के जो भाई थे स्नेहशीश, एक्चुअली उन्हीं को एक क्रेडिट दिया जाता है कि सौरव गांगुली को वो क्रिकेट में लेके आए। स्नेहशीश भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, काफी ऊपर, मतलब उन्होंने भी काफी क्रिकेट खेला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, देखते हैं कि चंडीदास जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और सौरव गांगुली उस समय वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे, मतलब जो इनकी फैमिली थी वो वन ऑफ द रिचेस्ट थी कोलकाता की, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सौरव गांगुली का जो बचपन था वो बड़ी लग्जरी में बीता। सेंट जेवियर्स स्कूल से इन्होंने अपना 12th किया 10th किया, और बहुत ही कम उम्र में जगमोहन डालमिया जो कि अगेन बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, हमेशा सौरव गांगुली को सपोर्ट करते थे, ये भांप लिया था कि ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है। मैथ्स बड़ी अच्छी थी सौरव गांगुली की, बहुत ही जबरदस्त मैथ्स थी। वैसे भी जो बंगाली होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, वो वैसे ही टैलेंटेड होते हैं मैथ्स में, नहीं तो आर्ट एंड कल्चर में, नहीं तो म्यूजिक में, जबरदस्त। और बड़ी मीठी आवाज होती है, वैसे बंगाली खुद ही एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सब था। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो इनके भाई थे, बड़े भाई थे स्नेहशीश, वो क्रिकेट खेलने जाते थे, क्रिकेट क्लब्स में जाते थे, प्रैक्टिस करने जाते थे। आपको पता ही है कि भारत में सबसे बड़ा ग्राउंड और सबसे पॉपुलर ग्राउंड कोलकाता का ही है, इडन गार्डन्स, वहां पे प्रैक्टिस करने जाते थे। तो गांगुली भी जाया करते थे, भाई को क्रिकेट खेलते हुए देखा, इनको भी इंटरेस्ट आ गया, और स्नेहशीश ने फिर बोला कि तुम भी खेलो, वहां से इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और दोस्तों फिर दोनों भाई जो थे, सौरव गांगुली और स्नेहशीश, क्रिकेट खेलते थे। इन्होंने पूरे घर को ही स्टेडियम बना दिया था, वैसे तो इनकी पूरी हवेली है, बहुत बड़ी कोठी है। और ग्रेग चैपल ने यहां तक कमेंट कर दिया था सौरव गांगुली पे कि क्रिकेट खेलना इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, समझ रहे ना। इस तरीके तक के कमेंट आए थे ग्रेग चैपल के। जो इंसान, जो फैमिली कलकत्ता की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक हो, उसके लिए ग्रेग चैपल ऐसा कह रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद था। बहुत कुछ किया ग्रेग चैपल ने, क्या बताएं उनके, बड़ी अभी हम इस लेक्चर में बात करेंगे उनके जो किस्से हैं, ठीक है। तो सौरव गांगुली जो हैं वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, घर को पूरा एक क्रिकेट ग्राउंड बना दिया गया, दिन रात मेहनत की, पहले स्कूल के लिए खेले, ठीक है। स्कूल में जब ये खेले तो सबको पता चल गया कि जबरदस्त प्लेयर है ये, अंडर 15 के लिए खेले, सेंचुरी बनाई वहां पे, और 1989 में सिर्फ और सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया बंगाल के लिए 1989 में। फिर एक साल बाद रणजी खेले। रणजी की बात करें दोस्तों तो पता ही है आपको, क्रिकेट में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है रणजी। रणजी आप खेल लीजिए तो बहुत ज्यादा, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, आपका सीजन बहुत बढ़िया किया है, तो चांसेस बहुत होते हैं कि आप इंडियन टीम के लिए खेलेंगे, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सकते हैं। यही हुआ, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया रणजी सीजन 1990 और 91, मतलब एक साल का जो 1990 से लेकर 1991 तक, बहुत ही जबरदस्त इनका रणजी सीजन रहा। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं
कि सौरव गांगुली राइट हैंडेड हैं बट स्टिल वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये कमाल की बात है। और इन्होंने ये बचपन जब स्नेह शीश इनको लेके जाते थे ताकि अपने भाई के इक्विपमेंट्स को बहुत ही अच्छे से यूज कर सके, तो ये लेफ्टी खेलते थे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सौरव गांगुली हैं तो वैसे राइट हैंडेड लेकिन खेलते लेफ्ट हैंडेड है। और सचिन तेंदुलकर के साथ भी यही है, वो भी लेफ्ट हैंड है लेकिन खेलते वो राइट हैंडेड है। तो ये कमाल है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड ये लोग हैं। ऐसे ही डेविड वार्नर भी है जो कि एक बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। तो रणजी सीजन का बहुत बढ़िया गया, उसके बाद इनको वनडे इंटरनेशनल में जगह मिली। क्या था कि सौरव गांगुली शुरू से ही एक लीडर थे, अपने स्कूल टाइम में ही वो लीडर रहे थे। जब इनको अंडर 15 के लिए चुना गया और उसके बाद ये रणजी खेले तो इनको टीम की कैप्टनसी भी दी जाती थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास खेले ये बंगाल के लिए, टीम की कैप्टनसी दी गई। लेकिन जो इनके टीममेट्स थे, गांगुली बड़े ही जो एक काफी अग्रेसिव कप्तान थे। एक तो गांगुली को बिल्कुल ऑड जॉब्स करना पसंद नहीं था। वो 12th मैन, इनको बोला गया क्या 12th मैन बनिए, इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं ड्रिंक्स नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है, मैं यहां पे क्रिकेट खेलने आया हूं, ऐसे ड्रिंक्स नहीं, ये मैं नहीं होगा मुझसे, ठीक है। तो यहां पे काफी लोगों ने कंप्लेन भी की, काफी प्लेयर्स ने कंप्लेन भी की कि काफी अग्रेसिव है, इनके साथ कैसे खेल सकते हैं। लेकिन ये स्टाइल था सौरव गांगुली का और इसीलिए तो सारे मैच जीते उन्होंने। तो हम यहां पे देखते हैं कि वनडे इंटरनेशनल में इनका डेब्यू हुआ, ठीक है, 1992 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुरंत इनको ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब उस समय दोस्तों सीनियोरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब तो देखते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उस समय बड़ी सीनियोरिटी थी कि सीनियर प्लेयर्स को बड़ी इज्जत देनी है। तो सीनियर प्लेयर्स सब कहते थे कि मेरा ये सामान ले आओ, मेरे लिए ड्रिंक ले आओ। सौरव गांगुली ने साफ मना कर दिया कि मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने आया हूँ, आपका काम करने नहीं आया हूँ। इस वजह से सौरव गांगुली के ऊपर काफी इल्जाम लगे। अब ऐसा र्यूमर भी है और बहुत कि बोला जाता है कि नहीं, ये जो सौरव गांगुली बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं और अगर हम इनको टीम में रखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इनको तुरंत ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर इन्होंने हार नहीं मानी, अगले 4 साल तक इन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया डोमेस्टिक क्रिकेट में, अच्छे खासे रन किए 1993, 1994, 1995। इसी समय कपिल देव जो कि एक बहुत ही बड़े स्टार रहे थे 1980s में, अब वो भी रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि आप कोई भी खेल देखे ना तो उसमें एरा होते हैं, ठीक है। एक एरा जो होगा वो 10 से 15 साल चलता है, फिर नया एरा आता है। तो ये जो लेट 1990s का, 95 के बाद जो एरा शुरू हुआ, अब यहां पे जो पुराने प्लेयर्स थे, सुनील गावस्कर हो गए, कपिल देव हो गए, ठीक है, ये सब रिटायरमेंट ले रहे थे और अब ये नई खेप आ रही थी, युवा आ रहे थे, अब इनका एरा शुरू होने वाला था। तो यहां पे सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, सचिन तेंदुलकर, ये सारे प्लेयर्स जो हैं इनका आगमन होता है और इन्होंने बहुत ही जबरदस्त खेला। लेकिन सौरव गांगुली को इसलिए बहुत बड़ा श्रेय दिया जाएगा क्योंकि ये उस जनरेशन के साथ भी खेले और बाद में इन्होंने एक ऐसी टीम बना दी जिसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था और युवाओं को इन्होंने मौका दिया। मोहम्मद कैफ अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि आपको याद ही होगा कि मोहम्मद कैफ 7वें नंबर पे बैटिंग करने आते थे, मतलब जब 5 आउट हो जाते थे इंडिया के तब मोहम्मद कैफ आते थे, तो उनके पास ज्यादा ओवर्स बचते नहीं थे, वो 40वें स्लॉग ओवर्स में आते थे जब 40 ओवर हो जाते थे या 42 ओवर हो जाते थे। तो यहां पर एक बार वो मोहम्मद कैफ गए सौरव गांगुली के रूम में, ठीक है, पाकिस्तान का आईएएस दौरा चल रहा था, तो सौरव से उन्होंने बोला कि सर आप ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, दादा मुझे इतना लेट आप उतारते हैं और मुझे रन बनाने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे तो मेरी पोजीशन बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यहां पे, मुझे तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो सौरव गांगुली ने कंधे पे हाथ रखा, बोला कि देखो तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम भले ही जब लेट में बैटिंग करने आते हो 25 से 30 रन बनाते हो, इतना ही तुमको मौका मिलता है, लेकिन याद करो, याद रखो कि तुम इतने अच्छे फील्डर हो कि तुम कम से कम 50 से 60 रन जो है ना बचा लेते हो अपनी फील्डिंग से, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये जो कॉन्फिडेंस था ना, मोहम्मद कैफ बोलते हैं ये कॉन्फिडेंस उन्होंने सबको दिया जिसकी वजह से हम बहुत अच्छा कर पाए और हमको एक भरोसा था कि कुछ भी हो जाए दादा हमारे पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने पूरी क्रिकेट टीम बनाई, ठीक है। तो ये चीज, फिर हम ये देखते हैं कि 95-96 में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, दुलीप ट्रॉफी में बहुत ही बढ़िया, रणजी सीजन बहुत ही जबरदस्त गया था और फाइनली 1996 में इंग्लैंड, जब भारत इंग्लैंड का टूर कर रही थी तब इनको टेस्ट मैच के लिए चुना गया। नवजोत सिंह सिद्धू वापस आ गए थे क्योंकि उस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन थे और मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवजोत सिंह सिद्धू की कुछ अनबन हो गई थी और बीच में ही वो दौरा छोड़ के आ गए थे कि अजहरुद्दीन का जो बिहेवियर है मेरे लिए वो सही नहीं है, उसकी वजह से गांगुली को मौका मिला। और जब
सौरव गांगुली को मौका मिला, उस वक्त उन्होंने खाली एक ही ओडीआई खेला था, मैंने बताया ना 1991 में, 1992 में, फिर इनको ड्रॉप कर दिया था, सीधे उनको टेस्ट खेलने का मौका मिल गया। अक्सर उल्टा होता है, ठीक है, आपको पहले ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, फिर आपको, क्योंकि टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर आपको टेस्ट में लिया जाता है, लेकिन यहां पे उल्टा हुआ। तो टेस्ट में 1996 में सौरव गांगुली को मौका मिला, अरे बाप रे बाप, डेब्यू में ही इन्होंने सेंचुरी मार दी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, डेब्यू में ही सेंचुरी मार दी, फिर दूसरे मैच में भी सेंचुरी मारी, तीन मैच की सीरीज थी, हालांकि इंडिया हार गई 1-0 से, लेकिन दो मैच ड्रॉ रहे, उस समय यह भी बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि देखिए जब तक गांगुली नहीं आए थे तब तक भारत कभी भी बाहर जीतती ही नहीं थी, आज तक कभी भी बाहर अपनी जमीन पे ही भारत जीती थी, बाहर कभी भी ओवरसीज में वो कभी नहीं जीती थी, सब कॉन्टिनेंट में ही उन्होंने मैचेस जीते थे, तो ड्रॉ करवा के भी मैचेस आना बहुत बड़ी बात थी, और गांगुली का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना, सेंचुरी बनाई, तीन मैच की सीरीज थी, पहले में सेंचुरी बनाई, दूसरे में भी सेंचुरी बनाई, और उसके बाद फिर जब सौरव गांगुली का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस था, इनफैक्ट उन्होंने अगले जो अगला मैच था, सेकंड टेस्ट था, 136 रन उसमें बनाए थे, और सचिन तेंदुलकर के साथ 255 रन की पार्टनरशिप की थी, और ये रिकॉर्ड था, हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर इंडिया अगेंस्ट एनी कंट्री फॉर एनी विकेट आउटसाइड इंडिया, इट वॉज अ रिकॉर्ड। एंड देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद हम ये देखते हैं, टेस्ट भले ही ड्रॉ रहा लेकिन सौरव गांगुली रातों रात एक स्टार बन चुके थे। फिर 1997 में सौरव गांगुली की डोना राय से शादी हुई, इनकी एक बेटी भी है सना, और ये लव स्टोरी भी बड़ी ड्रामेटिक है, क्योंकि सौरव गांगुली की फैमिली और डोना की फैमिली काफी एक दूसरे से चिढ़ते थे, एनिमी थे, लेकिन स्टिल दोनों ने शादी की और फिर पूरा परिवार मान गया। इसी दौरान 1997 में ही इन्होंने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी बनाई, 113 रन। अब 1997 से लेकर दोस्तों 2001 तक बहुत कुछ होता है, बहुत सारे मैचेस होते हैं, और सौरव गांगुली का लगातार परफॉर्मेंस कमाल का रहता है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 1999 वर्ल्ड कप आ गए, गांगुली डेफिनेटली पार्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम थे, लेकिन हार गई भारत, ठीक है, ये आपको पता ही है। फिर हम ये देखते हैं कि यहां से कैप्टनसी छिनी और सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी दी गई। सचिन तेंदुलकर का जो कैप्टनसी था, इसी दौरान कपिल देव की भी कोच थे, मैंने सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी और कपिल देव की बायोग्राफी दोनों की रिव्यू जरूर देखिएगा, सचिन तेंदुलकर एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। इसी दौरान श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई मैच था, गांगुली ने 183 रन बनाए 158 बॉलों पर, और ये उनका बेस्ट है, करियर बेस्ट रहा, 17-14-7 छक्के, वैसे सबसे धोनी के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं धोनी और रोहित शर्मा के बाद, तो भैया वो सौरव गांगुली, और उस समय गांगुली सबसे भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले सौरव गांगुली थे, बहुत छक्के मारते थे। और पर्सनली मेरा फेवरेट तो आगे बढ़ के जो कवर्स के ऊपर वो फो क्या सीधा मारते थे छक्का, क्रॉस बैटेड स्वीप जो मारते थे, मजा आ जाती थी देख के दोस्तों, ट्रीट टू वॉच, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर थे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि गांगुली को कैप्टन बनाया गया, ठीक है, 2000 में जब गांगुली को कैप्टन बनाया टीम बिल्कुल नई थी, और इस समय बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो उभर रहे थे, अंडर 19 में मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, जहीर खान उस समय उभरते सितारे थे, तो पूरी टीम को बनाना था। वीरेंद्र सहवाग एक और बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, गांगुली ने सबको कंसोलिडेट किया, यही तो एक लीडर की क्वालिटी होती है, उन्होंने कंसोलिडेट किया, और ये दोस्तों वो जमाना था, ये आज का क्रिकेट नहीं है जहां पे आपको बॉलर्स को कुछ देखने को मिलेगा, ज्यादातर आज जो हम क्रिकेट कंट्रीज देख रहे हैं उसमें तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है ना, पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, वहां पे अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिला जाता, जिम्बाब्वे में तो आप देख ही रहे हैं, तो बहुत सारी, वेस्ट इंडीज को देख लीजिए, लेकिन ये उस समय की बात है, तो 2000 की बात है जहां पे सारी क्रिकेट टीम्स अपने पीक पे थी, ऑस्ट्रेलिया से तो कोई जीत ही नहीं सकता था, ऑस्ट्रेलिया से तो जीतना लगभग लगभग नामुमकिन था, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, रिकी पोंटिंग, डेमियन मार्टिन, हालत खराब हो जाती थी, कैसे जीते, साउथ अफ्रीका से कोई नहीं जीत सकता था, जैक कालिस, हर्शल गिब्स, शॉन पोलाक, एलन डोनाल्ड, लैंस क्लूसनर, कहां से जीतते, न्यूजीलैंड से भी स्टीफन फ्लेमिंग और बहुत सारे नेथन एस्टल हो गए, डैरिल टफी हो गए, पाकिस्तान से तो वैसे ही हम नहीं जीतते थे, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सौरव गांगुली ने इसको बहुत अच्छे से पार पाया, एक एक क्रिकेट टीम को हराया, ठीक है ना। 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पहली ट्रॉफी, नॉकआउट ट्रॉफी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था इसमें युवराज सिंह का, उनकी भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है।
और युवराज सिंह को मौका मिला, भारतीय भारत फाइनल तक पहुंची लेकिन हार गई, न्यूजीलैंड से हारी थी, हार गई। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मैच हुआ, सबसे बड़ा ऐतिहासिक मतलब सबसे ऐतिहासिक जो मैच हुआ भारत के इतिहास का, सबसे जबरदस्त मैच 2001 का सेकेंड टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कोई भी नहीं भूल सकता। उस समय ऑस्ट्रेलिया मैचेस जीत के आई थी, 16 मैचेस उन्होंने लगातार जीते थे और बड़ी एग्रेसिव टीम मानी जाती थी, भयंकर लोग भैया बॉलर्स तो ऐसे की हालत खराब, ग्लेन मैकग्रा हो गए, ब्रेटली हो गए, शेन वॉर्न हो गए, जेसन गिलेस्पी हो गए, और बैट्समैन भी एक से बढ़कर एक, और बड़ी बदतमीज टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, बहुत स्टेजिंग करती थी, बड़े बदतमीज खिलाड़ी थे, ठीक है ना, प्लेयर से बहुत ज्यादा डरते थे प्लेयर्स इनसे, लेकिन भैया सामने सौरव गांगुली थे, स्टीव वॉ कैप्टन थे, सौरव गांगुली ने उनकी ही स्ट्रैटेजी उनपे दे मारी, पहले तो टॉस में लेट आए, ठीक है, पहला मैच डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जीता, हालांकि ये जो तीन मैच की सीरीज थी 2-1 से ड्रॉ, 2-1 से भारत जीता था, दो मैच भारत जीता और एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीता और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और 1969 के बाद से कभी भी ऑस्ट्रेलिया जो है भारत में इस समय तक 2001 तक कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई थी। ठीक है, तो 2001 में स्टीव वॉ है, अब स्टीव वॉ ने सोचा कि हम बहुत आसानी से हरा देंगे, लेकिन पहला मैच जीते भी वो, लेकिन दूसरे मैच में वो तो एक ऐतिहासिक मैच था, और आई थिंक वो एक ऐसा मैच था जिसने क्रिकेट को घर घर में पहुंचा दिया। मुझे आज भी याद है दोस्तों, समय तो मैं बहुत छोटा था, ठीक है, अगर हम 2001 की बात करते, मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तो मैं फोर्थ क्लास में था, तो यहां पे मैंने देखा कि मतलब इतना सब खुश क्यों है। मैं पहले तो उस मैच की आपको बताना चाहता हूं, मैच वो था कैसा। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे पहले बैटिंग की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करके बनाए 445 रन, ठीक है, भारत ने जब दूसरी बैटिंग की 171 रन, ऑल आउट, 171 पे ऑल आउट, सोचिए इंडिया के 171 रन खाली, और यहां पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये लोग को खेलना नहीं आता और 171 रन पे ऑल आउट हो गए, इस बार हम लोग हारेंगे, क्योंकि पहला मैच ऑलरेडी, दूसरा टेस्ट था, पहला मैच ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, इस बार हम लोग पक्का हारने वाले हैं, ये सब मीडिया जो है, पूरी मीडिया कह रही थी कि हम जीतने नहीं वाले, और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ इनका। लेकिन जब फॉलो ऑन दिया ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ऐसा खेले हैं कि आपने कभी भी ऐसा मैच देखा ही नहीं होगा। वीवीएस लक्ष्मण ने उस समय 281 रन बनाए, जो उस समय भारत सबसे हाईएस्ट स्कोरर बने थे 2001 में, अभी तक इतने 281 रन किसी ने नहीं बनाए थे, और राहुल द्रविड़ के भी 180 रन थे, और बहुत ही जबरदस्त मैच था, एक दिन दो दिन तक लगातार बैटिंग की और एक भी विकेट नहीं गिरा, मतलब जब इन्होंने चौथे दिन बैटिंग की। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि भारत ने विशालकाय स्कोर फॉलो ऑन के बाद बनाए 657 रन, 657 पे 7 भारत ने डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, 284 रन का टारगेट था, सिर्फ और सिर्फ 212 रन पे, सॉरी 384 रन का टारगेट था और 212 रन पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। हरभजन सिंह एक और युवा खिलाड़ी 7 विकेट ले डाले, और उसके बाद हैट्रिक ली थी, वो द फेमस हैट्रिक। उसके बाद तो जब भारत ये मैच जीता था, 1-1 से सीरीज बराबर हो गई, गली गली में ऐसा लग रहा था कि दिवाली आ गई है, इतना लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फट रहे हैं, मजा आ गई। फिर 2002 का नैटवेस्ट, जब इंग्लैंड गई थी इंडिया, इंग्लैंड श्रीलंका इंडिया का मैच था, और फाइनल में आपको पता ही है कि जब भारत ने मैच जीता था, 326 रन चेस कर रही थी भारत, मोहम्मद कैफ मतलब 140 पे 5 हो गए थे, और मोहम्मद कैफ युवराज सिंह ने इस मैच को जिता दिया था, सौरव गांगुली ने निकाली अपनी शर्ट और घुमा दी ऐसे करके एकदम बढ़िया से, वो बहुत ही उसकी फुटेज काफी ज्यादा वो वायरल हुई थी और काफी उसकी आज भी चर्चा की जाती है। लेकिन गांगुली ने ये बोला था कि 2000 में मतलब इससे पहले जब मैच हुआ था, इंग्लैंड भारत आई थी, तो हमको जब आखिरी मैच में हराया था, 6 मैच की सीरीज थी, 3-3 से वो ड्रॉ रही थी, लेकिन जब आखिरी मैच में हम हारे थे तो एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने भी अपनी शर्ट जो ना घुमाई थी, मैंने कहा बेटा तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी ये चीज याद रखूंगा, और 2002 के नैटवेस्ट फाइनल में उन्होंने अपनी शर्ट उतार के वो बदला पूरा किया। बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था सौरव गांगुली का कि भैया जेंटलमैन गेम है, आप लॉर्ड्स में है, लॉर्ड्स की बालकनी से आप ये कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। गांगुली ने बोला कि अरे गया तुम्हारा प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यही करूंगा। ठीक है, तो ये चीज थी 2003 में वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जब भारत फाइनल में पहुंचा लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गया। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा था सौरव गांगुली का, उन्होंने खुद भी 59 के एवरेज से रन बनाए थे और 2 सेंचुरी मारी थी, और सेमीफाइनल में केनिया के खिलाफ सौरव गांगुली ने सेंचुरी बनाई थी। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था भारत का, पहला मैच हॉलैंड के खिलाफ
इंडिया ने 204 रन खाली बनाए थे और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 124 बनाए थे वर्ल्ड कप 2003 की बात करें तो सबको लग रहा था इंडिया गई, लेकिन उसके बाद एक भी मैच नहीं हारी, फिर फाइनल में हार गई ऑस्ट्रेलिया से। मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों, मैं बहुत ही ज्यादा, मैं तो कम से कम एक हफ्ते तक सो नहीं पाया था, बिलीव नहीं करेंगे इतना ज्यादा दुख हुआ था कि 2003 भारत इतना अच्छा मौका था। उस मैच में सौरव गांगुली ने बहुत बड़ी गलती ये कर दी थी कि उन्होंने बॉलिंग ले ली थी टॉस जीत के, उनको बैटिंग लेनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और बैटिंग जब ऑस्ट्रेलिया को मिली उन्होंने 360 रन बना दिए, डेमियन मार्टिन और रिकी पॉन्टिंग ने शतक बनाया और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर 2004 में पाकिस्तान गए, आपको याद ही होगा कि पाकिस्तान से उस समय, मतलब 2000 की बात है, बड़े तल्ख रिश्ते थे। और 2004 में जब हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के, और यहाँ पे भी सौरव गांगुली कैप्टन थे और उस समय बहुत ही अच्छे रिलेशन थे पाकिस्तान से, हम लोग के बहुत ही रिलेशन सुधर रहे थे पाकिस्तान से। 5 मैचेस की वनडे सीरीज हमने 3-2 से जीती, ठीक है, 3 मैच की टेस्ट सीरीज हमने 2-1 से जीती, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से भारत का स्वागत किया, बहुत अच्छा लगता था दोस्तों वो सीरीज देख के, बहुत ही मजा आती थी। और सारे मैचेस क्लोज हुए थे, ये कमाल की बात थी, वनडे तो सारे क्लोज हुए थे। पहला मैच तो एकदम हार्ट फेल होते होते बचा था लोगों का, जब 350 रन बनाए थे इंडिया ने और पाकिस्तान ने 344 बना लिए थे, खाली 5 रन से भारत जीता था, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। वो कभी भी मैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत क्रिकेट फॉलो किया है, अब तो मैं नहीं देखता क्रिकेट क्योंकि अब स्टैंडर्ड काफी, मतलब उस तरीके का रहा नहीं है, बॉलर्स को इतनी ज्यादा आजादी नहीं है और पूरा बैट्समैन गेम हो गया एक तरीके से, तो अब तो मजा भी नहीं आती। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, स्पेशली जब सचिन तेंदुलकर खेलते थे तो भैया मैं एकदम हटता ही नहीं था टीवी से कि हाँ एक एक मैच देखना है। तो ये बहुत मैंने क्रिकेट फॉलो किया है, एक एक मैच मुझे अभी तक याद है और वो सीन्स भी याद है, इनफैक्ट अब तो उन सबकी हाईलाइट भी अवेलेबल है। लेकिन फिर दोस्तों 2005 में एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हो जाती है, ग्रेग चैपल की एंट्री। ग्रेग चैपल इंडिया के कोच बन के आए और आपको जान के हैरानी होगी कि जब सौरव गांगुली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो ग्रेग चैपल के पास गए थे वो, ठीक है कि आप मुझे बताइए, आप मुझे थोड़ा कोच करिए। तो ऐसा बोला जा रहा था कि गांगुली और ग्रेग चैपल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सच में थे, सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल के रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन जब 2005 में ग्रेग चैपल कोच बन के आए, जिसमें सौरव गांगुली का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, उसके बाद चीजें खराब हो गई। सौरव गांगुली का अलग ही खेलने का स्टाइल था, वो अलग से टीम लीड करते थे, इससे पहले जॉन राइट थे, जॉन राइट जो कोच थे वो बहुत ही जबरदस्त थे, ठीक है, वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो प्लेयर्स को आजादी देते थे। लेकिन ग्रेग चैपल ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मुझे याद भी याद है दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था और टेस्ट मैच था और सौरव गांगुली ने शतक बनाया था, हालांकि वो काफी स्लो शतक था, ठीक है, आई थिंक वो 200 बॉल पे बनाया था सौरव, काफी स्लो शतक था और उन्होंने कवर ड्राइव मार के वो शतक को पूरा किया था, मैं अभी तक वो चौवा भी नहीं भूला हूं, ठीक है, बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब मैच खत्म हुआ, मतलब जब वो दिन एंड हुआ, डे एंड हुआ, और जब सौरव गांगुली से इंटरव्यू लिया गया, उनसे कुछ सवाल पूछे गए, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू था। हर्षा भोगले थे, हर्षा भोगले ने कुछ सवाल पूछे और जो सौरव गांगुली के जवाब थे वो चौंकाने वाले थे। हर्षा भोगले ने यह पूछा कि क्या आपसे ये बोला गया था कि आप कैप्टनसी से हट जाएं, तो सौरव गांगुली ने बोला कि हाँ, लेकिन मैं इसको एलैबोरेट नहीं करना चाहता। वहां से इस कॉन्ट्रोवर्सी की, ग्रेग चैपल वर्सेस सौरव गांगुली की शुरुआत हो जाती है। फिर इधर ग्रेग चैपल ने बोला कि सौरव गांगुली की टीम को लीड नहीं कर सकते, फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है। उधर गांगुली का बचाव आया, बीसीसीआई में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन हम यहां पे देखते हैं कि सौरव गांगुली का साथ सबने छोड़ दिया। उस समय ड्रेसिंग रूम के दो टुकड़े हो गए थे। सचिन तेंदुलकर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन ग्रेग चैपल मेरे घर पे आए और ग्रेग चैपल मुझसे बोलते हैं कि हम भारतीय टीम के दो टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद हम और तुम इसको रूल करते हैं, और सोचो अगर हम और तुम इस टीम को रूल करेंगे तो कहां जाएंगे हम लोग, बहुत अच्छा रहेगा, इस पूरी टीम का मनोबल तोड़ के हम इसको रूल करते हैं। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे कि क्या कह रहा है इंसान। और सौरव गांगुली, क्योंकि बोर्ड ने साथ नहीं दिया था, बीसीसीआई ने साथ नहीं दिया था, इनफैक्ट दोस्तों उस समय इंडियन टीम के काफी प्लेयर्स भी गांगुली के खिलाफ हो गए थे, बहुत सारे प्लेयर्स गांगुली के खिलाफ हो गए थे, तो सौरव गांगुली को कैप्टनसी से हटना पड़ा। हटना क्या पड़ा, उनको हटाया, ठीक है, उनको हटा दिया, उनको बीसीसीआई ने, बहुत ही खराब दोस्तों ये एरा था। और एक एड आपको याद होगा उस समय, बड़ा ही इमोशनल एड था, एक एड में उसका प्रोडक्ट का नाम भूल गया हूं, लेकिन वो एड आता था, उसमें सौरव गांगुली आए थे और बोले थे मैं आपका गांगुली भूले तो नहीं, है ना, वो लाइन दोस्तों एकदम छप गई थी मेरे दिमाग में। और इनफैक्ट बहुत लोगों को दुख हुआ था वो एड देख के कि एक टाइम पे जिस इंसान ने पूरी क्रिकेट टीम को बनाया और आज उसका ये हाल। और सौरव गांगुली के समय वाकई बहुत बड़ी, कोई साथ नहीं था, लेकिन एक वॉरियर है, मैंने बोला ना एक वॉरियर है, सौरव गांगुली ने हार नहीं मानी, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट पे गए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया, वो फिर वापस आए।
और इधर भारतीय टीम का, इंडियन टीम का क्या हो रहा था? इंडियन टीम का परफॉर्मेंस बद से बदतर होता गया, हम हर जगह हारे। जब सौरभ गांगुली को हटाया गया तो जब सब कॉन्टिनेंट में सीरीज हुई वो हम जीते, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर गए हारे हम, साउथ अफ्रीका से हारे। और उसके बाद जब हम वर्ल्ड कप में गए तो वो तो 2007 में वर्ल्ड कप बहुत ही खराब था, वहां पे भी हार के हम वापस आए और ग्रेग चैपल को उसका श्रेय दिया जाता है। हालांकि उससे पहले एक साल बाद सौरभ गांगुली वापसी कर चुके थे। सौरभ गांगुली को चांस दिया गया, पाकिस्तान के लिए खेले वो, साउथ अफ्रीका के लिए खेले, वेस्ट इंडीज के लिए खेले और धमाकेदार उन्होंने वापसी की और ग्रेग चैपल के मुंह पे ताला लगा दिया, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप जब भारत हारा उसके बाद ग्रेग चैपल ने खुद ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है, इस्तीफा दे दिया। फिर गांगुली ने बहुत ही अच्छा 2007, 2008 और 2009 का बहुत ही अच्छा करियर रहा। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने टेस्ट में सबसे हाईएस्ट 239 रन बनाए, 239 रन बनाए, ये बहुत ही जबरदस्त स्कोर था, इंडिविजुअल स्कोर था अभी तक सबसे हाईएस्ट। और 2007 में तो बहुत ही अच्छा खेले, ये 62 की एवरेज से रन बनाए और सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने। फिर 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, केकेआर के कैप्टन बने, शाहरुख खान की टीम, हालांकि बहुत अच्छा केकेआर नहीं कर पाई लेकिन ठीक है। फिर 2008 में रिटायरमेंट लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी, रिटायरमेंट लिया। पहली इनिंग में तो 85 बनाए और दूसरी इनिंग में 0 बनाए और ये बहुत ही ज्यादा खराब एक तरीके से, अभी तक सौरभ गांगुली बोलते हैं कि ये मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है कि लास्ट इनिंग में मैंने 0 बनाए जो मेरी आखिरी इनिंग्स थी, तो ये चीज थी, ठीक है। फिर 29 अक्टूबर 2012 से भी उन्होंने रिटायरमेंट लिया और इस समय तक ही ओडीआई से भी रिटायर हो चुके थे। उसके बाद फिर आपको पता ही वो कमेंट्री भी करने लगे और एडवाइस भी देते थे, लेकिन अभी हाल ही में 2019 में उनको बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना दिया गया। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा खुशी हुई, तो जिस बीसीसीआई ने उनको निकाला आज उसी बीसीसीआई के बेताज बादशाह हो गए हैं और ये भारत के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को जितना अच्छे से सौरभ गांगुली समझते हैं, जितना बेहतरीन उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है और जितने वो युवाओं को मौका देते हैं उतना शायद ही कोई हो। तो ये थी कहानी प्रिंस ऑफ कैलकटा बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।